तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो यार, हम सोच रहे हैं 10K जैसे ही हो जाएंगे तो स्ट्रीमिंग कर देते हैं। लेकिन आज मैंने स्ट्रीम टेस्ट किया था, मतलब तो मैंने करा था स्ट्रीम लैब से, तो मे भी जो पुराना वर्जन था ना उससे करा था मैंने, वाटरमार्क नहीं था उसमें। तो उसके बाद जो क्वालिटी आई ना गाइज, इतनी तगड़ी क्वालिटी थी भैया, मैं देख ही नहीं पाया मतलब कुछ भी। मतलब एलगाटो भी नहीं दे सकता यार इतनी तगड़ी क्वालिटी। तो आई मीन इतनी घटिया क्वालिटी, और पीसी से कर देते हो। अरे मतलब क्या ही बोले, पीसी और एलगाटो का जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी का इंटू 100 माइनस कर दो, इतना टट्टी क्वालिटी आया भैया स्ट्रीम पे, मैं देख के बेहोश हो गया। और अब जब होश आया तो कमेंट करने बैठा हूँ, अब फिर से नहीं देखूंगा उसे जाके, नहीं फिर से बेहोश हो जाऊंगा मैं, और आपको भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बेहोश हो जाओगे तो फिर कौन देखेगा लाइव में मुझे। हाँ तो गाइज मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है जिससे कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करें। हाँ मुझे पता है तुम अब कहोगे तुम्हारे पास तो पीसी है ना, पीसी से कर लो ओबीएस से। लेकिन आपको नहीं है पता कि मेरे पास इन्वर्टर नहीं है और लाइट जाती रहती है, और अगर बीच बीच में लाइट जाएगी तो तुम्हें पता ही है फिर तो। अब लाइट जाएगी तो स्ट्रीम कटेगी तो मजा नहीं आएगा। और अभी के टाइम पे मैं भैया वो चीज़ खरीद नहीं सकता जिसकी मुझे जरूरत है, वो है इन्वर्टर, क्योंकि वो आता है 15-20 हज़ार का। मतलब कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, मैं कहाँ से मतलब बताओ तुम। खैर वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रीमिंग करूँ तो कौन से एप्लीकेशन से करूँ, मतलब स्ट्रीम लैब से ही करूँ या फिर ओमलेट आर्केड से करूँ, या फिर आपकी नज़र में कोई तीसरा देवता प्रकट हो रहा है कोई अलग ही, ऐसा मत बताना जो ट्रस्टेड नहीं हो यार, क्योंकि तुम्हें पता है ना फ्रॉड काम कितने हो रहे हैं आजकल मार्केट में, पता है ना। वैसे तो अपने चैनल को कौन ही हैक करेगा, और हैक भी कर लेगा तो बेचारा पछताएगा कि साला कैसा चैनल है, व्यूज ही नहीं आता इस पे तो। और इससे याद आया गाइज मुझे, व्यूज नहीं आ रहा है इसके चक्कर में, कि एक दिन एक बंदा मेरे को पूछता है भाई कि डेड चैनल होता क्या है, मतलब किस तरह से बनाया जाता है डेड चैनल। मैंने कहा डेड चैनल होता नहीं है, बनाया नहीं जाता। जैसे तुम्हारा 10,000 सब्सक्राइबर मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैंने उसको समझाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सुनो तुम भी, है ना। मैंने उसको बोला कि जैसे आपका 10,000 सब्सक्राइबर है, कि हाँ चलो ठीक है। अब मैंने कहा तुम एक महीने से उस पर वीडियो डालना बंद कर दो, मतलब पहले रोज वीडियो डालते थे, बढ़िया व्यूज आ रहा था तुम्हारा बन के टू के जितना भी आ रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई तुमने जैसे वीडियो डालना बंद कर दिया और फिर 3-4 महीने बाद डाला, तो ऐसे चैनल्स को डेड चैनल कहा जाता है क्योंकि उन पे वीडियोज नहीं आ रहे, तो व्यूअर्स एक्टिव नहीं है उसी के चक्कर में। और आज मुझे पता चला भाई साहब, मैंने उस बंदे को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, पता है क्यों। मतलब मैं तो सोचता था कि उन चैनल्स को डेड चैनल कहा जाता होगा जिन पे वीडियोज नहीं आती है, लेकिन अब मुझे मेरा चैनल देख के पता चल रहा है कि डेड चैनल तो वो होते हैं जो रोज वीडियो डालते हैं यार। मतलब डेड चैनल वो कहलाने चाहिए मेरे हिसाब से जिन पे व्यूज नहीं आता है, चाहे उनका सब्सक्राइबर और वो रोज वीडियो भी डालते हैं, तो डेड चैनल मेरा हुआ या फिर वो हुआ जो नहीं डालता है। मेरा भी तो डेड ही है, जब व्यूज ही नहीं आ रहा तो डेड चैनल ही मान लो, व्यूअर्स तो एक्टिव है ही नहीं हमारे। और कहीं भी ना एग्जाम्पल देने के लिए मुझे किसी और जगह नहीं भागना पड़ता है, सबसे बढ़िया बात है, खुद के चैनल का एग्जाम्पल लग जाता है हर जगह पे, है ना कमाल की चीज। आप जो भी हो ऑमलेट टारगेट से करके देखते हैं, बढ़िया क्वालिटी अगर आएगा तो हम कर देंगे, क्या दिक्कत की बात है। और देखो यार गाइज, क्वालिटी जैसा भी आए ना, अब तुम्हारे भाई को सख्त जरूरत है सपोर्ट की, पता है क्यों। बहुत हो गया यार गाइज, बहुत हो गया, मैं सही बता रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ। एक तो मैं पहली बात तो ये याद रखो, मैं इंस्पिरेशन देता हूँ ना, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, जो भी होता है ना वो होता होगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो ठीक है भैया। वो तो इंस्पिरेशन, फिर इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ, क्या होता क्या है वो, एक्सप्रेशन होता है सर। अरे वो जो भी होता है ना बाहर में गया, वो जो भी होता है वो, तो मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट कर देना यार, देखो यार जरूरत है मतलब सपोर्ट की यार, समझ रहे हो ना। बाकी अब बात करते हैं इस गेम प्ले की, तो हालात ऐसे कि भाई साहब हमारे इस पूरे गेम प्ले के अंदर है 23 किल्स, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है, देख रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर जो भी बोल रहा हूँ समझ जाओ, है ना, इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है, जो कुछ भी बोलता हूँ यार। आप जो भी हो, इधर मैं एक बंदे को ठोकता हूँ, मैं उसको लूटने ही जा रहा था कि भाई साहब मुझे इधर फुटस्टेप सुनाई देता है, मैंने कहा ये कौन आ गया बे। अब मुझे पता चलता है ये भाई साहब हमें मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे हम सामने से लूटने आएंगे, ये हमें आराम से निपटाएगा। लेकिन भाई की किस्मत बुरी थी कि मैं थोड़ा घूम के आया और ये जीरो फुटस्टेप तो खैर खड़ा ही हुआ था यहाँ पे, लपेटने के विचार में था मुझे लेकिन लपेट नहीं पाया, अफसोस है हमें इस बात का। और इधर एक दादाजी आ चुके हैं तो पहले उन्हें भी निपटा लेते हैं। आप देखो यार, हमने आराम से हक के साथ बोल सकते हैं, आराम से हक के साथ बोल सकते हैं, देख रहे हो कितने कमीना हूं मैं। जो भी हो वहां मैं सबको ठुका देता हूँ, सबको ठिला देता हूँ, और उसके बाद आ जाता हूँ पोचंकी में। और अब देखो भाई खतरनाक सीन,
अब देखो यार इनकी टीम का मैं एक बंदा नॉक करता हूँ और दूसरा बंदे के पिछवाड़े में चनू ने काटना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद ये इतना जल्दी आता है मेरे हाथों से मरने के लिए कि तुमने देख ही लिया। बाकी देखो यार सामने अभी बंदे हैं, मतलब मैंने इनको ऑल्टेड किया है लेकिन एक टीम और बची हुई है यहाँ पे, आई मीन एक स्क्वाड और बची हुई है, तो उसको ठोकना अभी बाकी है गाइज। अब मैं सबसे पहले कुछ नेट वगैरह ट्राई करता हूँ कि बंदा फट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। देखो भाई साहब कितना क्यूट एनिमी है ना, बड़ा ही क्यूट था भाई ये, क्या ही लेटा था, मतलब मस्त लेटे रहते हैं यार ये लोग, मजा आ जाता है इन्हें मारने के बाद, स्वाद सा आ जाता है क्योंकि कितनी मासूमियत के साथ लेटा हुआ था, मासूमियत जी हाँ। गाने नहीं गाएंगे यार हम, क्योंकि बंदे आ गए हैं, गाने बाद में गा लेंगे, पहले उन्हें टपका लेते हैं। तो एक बंदा इधर आया तो उससे पकड़ते पहले, अब मैं उसे पकड़ने तो जाता हूँ लेकिन मुझे पता चलता है भाई साहब है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, तब यहाँ पग्गी आ जाती है। और ये वाले भाई तो मुझे ऐसे लगे थे जैसे हमसे पिटने के लिए ही आए थे, मतलब कतई ऐसे ही आया था कि भाई SWM गेमर बैठा हुआ है उधर, वो मुझे मारेगा और मैं लॉबी में जाऊंगा, मतलब क्या ही बोले। और उसके बाद तुम्हारा भाई बहुत बुरा लुटेरा हो रहा है आजकल, मतलब लुटेरा नहीं हो रहा हूँ मैं, दरअसल इस पर नेट उठाने आया था क्योंकि मेरा जो ऑटो पिकअप है ना इतना बिगड़ रहा है कि उसे सुधारने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा यार मेरे को, मतलब टाइम देना पड़ेगा उसको भी, सही करना पड़ेगा। अब जो भी हो एक बंदा और आता है इनकी टीम का थसाए तो पकड़ते उसको भी। अब नहीं हम वेट ही कर रहे थे कि तुम कब रीलोड करोगे चाचा, और जैसे ही रीलोड करता है ना तो हम इसको ही रीलोड कर देते पूरे को। अब जो भी हो पोचन की मैं बंदों को मैंने निपटा दिया था, और उसके बाद भाई साहब मैं इधर चला आता हूँ डब्बा लूटने के लिए। अब मैं तो भैया आराम से डब्बा लूटता हूँ, मैंने कहा भैया 3x उठाएंगे, वैसे डब्बे में 3x कब से आने लग गया ये बताइए जरा मुझे, आई मीन लेवल 3 का बेस्ट हेलमेट उठाने के लिए आया था, और मैं यहाँ से जा ही रहा था कि एक गरीब बात में मुझे परेशान करने लग जाती है, और ये पबजी के पूर्वज हमें परेशान तो करते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हमारा। और उसके बाद हम बग्गी लेके और आगे निकल जाते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं घरों की साइड आते हैं भैया, हमें पता चलता है कि एक बंदा पोचंकी से निकल के भाग रहा है। बेटा रुक जा, अरे चचा मतलब पैदल यात्रा कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी लेके आते तो हमें दिख तो तब भी जाते, लेकिन क्या पता निकल जाते ना गाड़ी भगा के, लेकिन पैदल तो नहीं निकलने देंगे ना अब हम, तो इसी के चक्कर में हम थोड़ा सा आगे आते हैं। एक यहाँ पे डब्बा गिरा हुआ था तो मैं सोचता हूँ कि भैया इस डब्बे को लूट लेते, लेकिन लालच बुरी बला है यार, सपेरों का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं रुकता हूँ और निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा, कि तभी सामने की तरफ से फायर होता है और मैं उधर ही जाता हूँ जहाँ पर फायर हुआ था। लेकिन भाई मैं जाता तो हूँ वहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ जाता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ, लेकिन जब कोई दिखाई नहीं देता है ना तो वापस आ जाता हूँ, क्योंकि सपेरों का एरिया है और सांप लोग जब मारते हैं ना तो भाई पूरा जहर अपने अंदर भर देते कति शरीर का। अब जो भी हो एक बंदा मुझे यहां से दिखाई देता है, और ये वाले चचा ना ड्रॉप की रखवाली कर रहे थे कि भैया ड्रॉप में से कोई कुछ उठा ना ले जाए, जैसे पबजी वालों ने भेजा हो इसको, मतलब लूट ही लेता यार, क्या देख रहा था बैठा बैठा। अब जो भी हो मैं इसको ठिला देता हूं, और उसके बाद गाइस जो बंदे बचे हुए ना इनमें में भी दो लोग बहुत है भाई, मैं भी नहीं मतलब सच में ही बहुत है वो, मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी लॉबी थी, आई मीन आपके हिसाब से, छोड़ो खैर वो बात नहीं करेंगे हम, मतलब ये देखो एक बॉट मैंने टपका दिया, अब उसके बाद एक और बॉट मिलेगा मुझे, मतलब है ना कमाल की बात, मैं इतने देर से बंदों को मारता आ रहा हूँ और एंड में बचते हैं बॉट, मतलब खोदा पार निकली चुई है वो वाला हाल हो रहा भाई साहब, और एक बॉट मुझे यहाँ पे मिल जाता भाई। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, अभी एक्शन दिखाने के चक्कर में ना ये बॉट लपेट लेता मेरे को, बॉट नहीं मतलब अगर ये बंदा होता ना नूबड़ा भी होता तो भी लपेट देता। मैं गाड़ी पे सीट को स्विच करके मारना चाह रहा था और मुझे ही उल्टा पड़ गया भाई, और इधर आता हूँ तो एक बंदा और दिखाई देता मुझे। और इसको भी आराम से ठोक देते हैं और कतई इजी चिकन डिनर हो जाता है।